कहना यह है कि जैसे आपने कहा, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए, पूरे देश जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही एक ऐतिहासिक मोमेंट है पूरे देश के लिए, औरतों के लिए, और आई थिंक ये एक बहुत ही काफी सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही है. ऑलमोस्ट 27 साल पहले इसके बारे में बात की गई थी, लेकिन आज जाके ये फाइनली पास हुआ है. तो मुझे लगता है हम एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, उसमें इसका बहुत एक बड़ा हाथ है. और आई थिंक आने वाले सालों में जेनरेशन्स के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी एक ऐसे माहौल में उन्हें पैदा होने का पलने का मौका मिलेगा जिसमें जेंडर इक्वालिटी है, जो सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे पूरे देश, पूरे पूरी दुनिया भर में इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं. तो ये बहुत एक मैं तो कहूँगी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक बात हुई है हमारे देश में, हमारे संविधान में. और मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज पार्लियामेंट में ऑफकोर्स पहली बार गई थी. और बहुत ही एक ये चीज़ें हम फिल्मों में देखते हैं सबकी तरह, हालांकि हम खुद फिल्म से हैं, बट जब वहाँ आप होते हैं तो उसका एक बहुत एक सरियल फीलिंग होती है. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर अनुराग ठाकुर की कि हमें बुलाया यहाँ पे और इस चीज़ का हिस्सा बनाया. बट बेहद खुशी है कि जैसे हमारे सनातन में भी बोला गया है अर्ध नारेश्वर, उसका बेसिकली मतलब ये होता है यिन एंड यांग का जो एक मिलना होता है. ये स्टेप जो आज लिया गया है इस बिल के पास होने से, वो उस फीमेल और मेल एनर्जी को जब वो बैलेंस में आती हैं, तब जो सोसाइटी क्रिएट होती है, जो एक माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उससे बड़ी बात एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हो नहीं सकती. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पूरी पार्टी को, और जिसका भी हाथ है कि टू मेक दिस हैपन. बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी.